आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आज जबलपुर से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां एक बेटे के प्यार करने की सजा 10 साल बाद बूढ़े पिता को चुकानी पड़ी है। दरअसल जिस लड़की से युवक प्यार करता था और शादी रचा चुका था, उसी लड़की के परिजनों ने पूरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में युवक के पिता की जहां मौत हो गई है, तो वहीं भाई सहित मां को गंभीर चोटें आई हैं। मामला जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र बताया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि बेटे को प्रेम करने की सजा 10 साल बाद बुढ़ापे में एक पिता को चुकानी पड़ी है। यह घटना बीती रात उस वक्त हुई जब पासी परिवार के लोगों ने पटेल परिवार के 60 साल के बुजुर्ग किरार से पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं घटना में मृतक के दो बेटे और पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक के बड़े बेटे आशीष का मोहल्ले के ही पासी परिवार की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते दोनों ने विवाह भी कर लिया था, पर बाद में फिर दोनों अलग हो गए। 10 साल पुराने प्रेम प्रसंग के विवाद ने बीती रात एक बार फिर खूनी संघर्ष का रूप लिया है। मामूली रूप से शुरू हुआ विवाद ने बड़ा रूप उस वक्त ले लिया जब पासी परिवार ने राजकुमार पासी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर राजकुमार पटेल और उसके परिवार पर हमला कर दिया। हमले में राजकुमार पटेल को चोट लगने से मौत हो गई है, जबकि उसके दोनों बेटे आशीष और अंकित सहित पत्नी कलाबाई को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि घाना निवासी राजकुमार पटेल व पासी मोहल्ला निवासी राजकुमार पासी के परिवार में प्रेम प्रसंग मामले को लेकर 10 साल से रंजिश चली आ रही थी। हालांकि बीते 10 वर्षों में दोनों परिवारों के बीच किसी गंभीर घटना की सूचना नहीं है, पर कल देर रात एक बार फिर दोनों परिवार आमने सामने आ गए और नौबत खूनी संघर्ष तक आ गई। फिलहाल खमरिया थाना पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद हमलावरों ने पीड़ित परिवार के घर में पत्थरबाजी भी की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये खमरिया थाना अंतर्गत थाना गाँव में गोकलपुरी मोहल्ला है, वहाँ से झगड़े में घायल कुछ लोग आए हैं, जिसमें राजकुमार वर्मा लोधी पटेल इनका परिवार है। इनका झगड़ा वहाँ मोहल्ले के इनके घर के पीछे रहने वाले पासी कुछ लोगों से हुआ है, जिसमें आशीष वर्मा, अंकित इसका भाई अंकित वर्मा, इनकी माँ कलाबाई वर्मा ये घायल हुए हैं, और जो राजकुमार वर्मा इनके पिता हैं, सिर में चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। तो उसी संबंध में सूचना मिलने पर मेरे द्वारा यहाँ पर आकर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो घटनास्थल है घाना खमरिया में, अलग से जो है थाना खमरिया द्वारा पहुंच के कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कुछ प्रेम प्रसंग का मामला ऐसा बताया, उसके जो आशीष वर्मा है मृतक का लड़का, उसने बताया कि करीब 10 साल पहले उसका और जो आरोपी पक्ष है उनकी लड़की का प्रेम संबंध था, परंतु विरोध के कारण शादी नहीं हो पाई थी और उस समय जो झगड़ा हुआ था वो मामला जो है ख़त्म हो चुका। कुछ गिरफ्तारी भी हुई है सर? हाँ, कुछ लोगों को वहाँ जो रांझी का बल वहाँ पहुँचा खमरिया का बल, उनमें कुछ आरोपियों को जिनके नाम आए उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। कुछ और भी जांच चल रही है सर विषय में? हाँ जी, अभी तो जांच शुरू ही हुई है। ठीक।